हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही गौतम अडानी, अरे वही अपने अडानी चचा, एशिया के नंबर वन रिचेस्ट पर्सन और दुनिया के थर्ड रिचेस्ट पर्सन के पोस्ट से गिरकर वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में 17th नंबर पे आ चुके हैं। 24th जनवरी को हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के अगेंस्ट ये रिपोर्ट पब्लिश की जिसका टाइटल था हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉर्न इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। और तब से अब तक अडानी ग्रुप को 8 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का चूना लग चुका है। हिंडनबर्ग यूएसए की एक फॉरेन फाइनेंशियल रिसर्च और शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको मालूम ही होगा कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। देखो, हम जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो ये सोचकर इन्वेस्ट करते हैं कि उस कंपनी के स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा और हम प्रॉफिट कमाएंगे। बट ये शॉर्ट सेलिंग कंपनी जस्ट इसका उल्टा करती है। ये कंपनी के स्टॉक का प्राइस गिरने पर पैसा लगाती है और ये करना बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगर उस स्टॉक का प्राइस घटने के बजाय बढ़ने लग गया तो इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है कि उस स्टॉक का प्राइस कितना बढ़ सकता है। और जितना उस स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा आपको उतना ज्यादा लॉसेस सहना पड़ेगा। हिंडनबर्ग का कहना है कि उसने 2 साल से भी ज्यादा लगा दिए अडानी ग्रुप के ऊपर रिसर्च करने में और तब जाके उसने 106 पेज की ये रिपोर्ट पब्लिश की है। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं। इसके बाद 13th जनवरी को अडानी ग्रुप की तरफ से हिंडनबर्ग को 413 पेज का रिप्लाई मिलता है जिसमें अडानी ग्रुप के ऊपर लगाए गए एलिगेशंस को बेबुनियाद बताया गया है। इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है प्लीज टेल मी इन कमेंट सेक्शन।